हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोबिक में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ आप लोग लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नेहरू युवा केंद्र संस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है NYKS की तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जो रिक्रूटमेंट आया है मल्टीटास्किंग स्टाफ, अकाउंट क्लर्क एंड डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन करना होगा, जिसका डिटेल यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं और वैकेंसी कितना है, क्या कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल करेंगे। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ नेहरू युवा केंद्र संस्थान केंद्र एक गवर्नमेंट संस्थान केंद्र है जहाँ से इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये एक गवर्नमेंट जॉब है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन डेट जो है 16 मार्च 2019 से शुरू हो गया है एंड इसका लास्ट डेट दिया है 31 मार्च 2019। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन करेंगे इस पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों, जनरल ओबीसी जो मेल कैंडिडेट उन लोगों के लिए यहाँ पे 700 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। जो लोग जनरल एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 350 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। एंड जो लोग SC ST फिजिकली हैंडीकैप है उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं टोटल वैकेंसी जो है 225 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए यहाँ पे 100 वैकेंसी है। अगर इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री के क्वालिफिकेशन चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स तक आपके होना चाहिए, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 73 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCOM और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट 28 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और MTS के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, 52 वैकेंसी है। क्लास 10 पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10 पास है तो आप यहाँ पे इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम जो एज लिमिट आपको चाहिए 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 ईयर्स तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक को आप क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ लिंक ऑफिशियली NKS जो कि नेहरू केंद्रीय संस्थान के जो ऑफिशियल लिंक है, मैं उसको दे चुका हूँ। आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।